सिंध भी पढ़ो, सिंध आज जबकि उन मेरे ख्याल कोई नहीं देखता, वो ये भी पढ़ो जी सिंध की गल, क्योंकि इस गल में पता भी असं कितने कितने गल उन्हें गल कितने पढ़ना, उन्होंने भी पता भी असं कितने पढ़ना, तो जिन्ना चेर यूनिटी नहीं ना हैगी उन्ना चेर कोई काम नहीं होगा। क्या भी कर रहे हैं अरे कौन अभी अपना काम करिए सोशल प्रोटेक्शन की स्कीम करते सभी को जो भी अनुवाद में जा पाती है पढ़ना अभी ऑनलाइन हर चीज हमने भेज दो, हमने मेल कर दो, 7 बजे हो 6 बजे हो आप अभी कर दो, ये कर दो, मॉर्निंग कर दो, असं अपने इधर एक डाटा पैक पहला कहते उधर कोई प्रोविजन नहीं है, किसी और वाईफाई है दफ्तर का उसे कहते यूज कर दो, मान लो हर उसे ड्राइवर का 11 बजे पेट्रोल इतने चल गया बहुत कर दो फिर जब आप जाए कि नवा नवा काम करके लाने क्या भी किया अगले मुफ्ता काम करिए अज की मीटिंग जो कि पंजाब टी आई वैलफेयर यूनियन वालों रखी गई है, पंजाब वेस्ट कंट्रोल सोसायटी के प्रोजेक्ट जोड़े चल रहे हैं तकरीबन पूरे पंजाब दे विच की पूरे इंडिया दे विच चल रहे हैं, उन्हां दा शोषण हो रहा है, शोषण इस तरह हो रहा है कि असी जिन्हें भी इंप्लॉइज है तकरीबन 8-8 साल तो साड़ी कोई सैलरी नहीं वधी, साड़ी कोई सुनवाई नहीं हुई, असी वक्रे वक्रे डिपार्टमेंटा में जाके अपनी गुहार लाई पर साड़ी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, हार गए सानू यूनियन बनानी पई ते सही यूनियन की मीटिंग रखी है अज्ज, इस मीटिंग दे विच असीं मता पाया कि असीं सरकार नूं मंग रखांगे कि साडी जिहड़ी सैलरी वधाई जावे और सानूं हर साल इंक्रीमेंट दित्ती जावे जो कि पिछले 15 सालों तो कदी भी नहीं होया, तकरीबन 8 साल पहले एक बार सैलरी वधी सी, उस तो बाद तुसीं देखो कि महंगाई किन्नी हो चुकी है, सारे परिवार आ सारिया के परिवार आ सारे बच्चे आ, असीं 15-15 साल इस प्रोजेक्ट नूं दित्ते हन पर फिर भी साडी जिहड़ी तनखाह जिहड़ी आ उत्थे दी उत्थे है, बहुत औखा गुजारा हो रहा है, पेट्रोल के रेट कितने जा रहे हैं, सानू उही 1000 रुपया पेट्रोल का मिलता है जो अज तो किन्ने साल पहला मिलता है, ना कोई साड़ी तनखा वधी है ना साड़ा कोई होर कोई सानू पता लाया गया है, साड़ी सरकार अगे यही मंग है कि साड़ियां तनखावां वधाईया जाण, असी इस दे नाल अगर साड़े नहीं किया जाऊगा साड़ियां तनखावां नहीं वधाईया जाणगियां पहला असी मंग पत्र देवांगे जे उस दे उत्ते नहीं कार्रवाई हुई तो असी स्ट्राइक करांगे। मेहरबानी। अज लुधियाने टी आई इंप्लॉई की एक मीटिंग की गई है जिसे असी अपनी सैलिया की डिमांड रखी है क्योंकि साड़िया सैलिया काफ़ी टाइम तो नहीं वधिया, जिदा 2014 चेगा इंक्रीमेंट लगा से उस तो बाद इंक्रीमेंट नहीं होया, और अज के समय की महंगाई में एक आउटरीच वर्कर एक पेयर का काम करना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने ही डिमांडा लैके अज इतने असं मीटिंग की है, साड़ा मेन मुद्दा है कि असं अपने जो इंप्लॉय की प्रॉब्लम्स अगे लैके आईए उन्होंने सैलरी में असं इंक्रीमेंट लिए अज असी अपनी डिमांड अज टी आई पंजाब इंप्लाई वैलफेयर यूनियन की मीटिंग रखी गई जिस वे पंजाब के वक् वक् जिलों में सारे जो मैनेजर टी आई ने वो आए जिमें कि मोगा पटियाला फिरोजपुर जलंधर कपूरथला सारे जिले तो हुशियारपुर तो सारे आए, अज मंग पत्र पी सैक को देने वास्ते एक मीटिंग रखी गई क्यों जो कि पिछले 8-9 साल तो टी आई इंप्लाईज की बिल्कुल भी सैलरी नहीं वधाई गई, पिछले समय 2014 तो सैलरी वधी हुई है, 2014 से 2021 महंगाई देखो कितने पहुंच गई पर असं उत्थे दे उत्थे ही खड़े हैं, ये एक ना एक तरह का कहते हैं कि स्टाफ का शोषण हो रहा है, दूजा एक टी आई इंप्लाई लई कोई भी हैल्थ इंश्योरेंस नहीं है, अज कल करोना के टाइम में असं फील्ड में जाके अपना काम कर रहे हैं, सो साडी एक मंग में यह भी शामिल है कि इंप्लाई को किसी ना किसी तरह का हैल्थ इंश्योरेंस भी दिता जाए क्योंकि सारा बंदा अपने परिवार से जुड़िया हुआ है।